नमस्कार, पूरब टाइम्स की फटाफट ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। परंतु उससे पहले निवेदन है कि यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। भारतीय वायुसेना ने बताया कि फ्रांस से खरीदे गए राफेल फाइटर जेट में से 5 जेट्स के पहले जत्थे को मौसम ठीक रहने की स्थिति में 29 जुलाई को अम्बाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन में शामिल किया जाएगा। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस से 53,000 करोड़ रुपये में 36 राफेल जेट खरीद कर समझौता किया था। केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों के साथ ही सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों और बैंकों के निजीकरण की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार LIC और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को छोड़कर बाकी सभी इंश्योरेंस कंपनियों में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी किस्तों में बेच सकती। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार 7 बैंकों का भी निजीकरण कर सकती, जिससे सरकारी बैंकों की संख्या केवल 5 रह जाएगी। बतौर रिपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक का निजीकरण किया जाएगा। सऊदी अरब के अधिकारियों ने बताया कि इस साल हज यात्रा 29 जुलाई से शुरू होगी। कोरोना महामारी के चलते इस साल सऊदी में ही मौजूद करीब 1,000 तीर्थ यात्रियों को हज जाने की अनुमति मिली, जबकि हर साल लगभग 25 लाख लोग हज यात्रा पर जाते। वायरस से उभरे स्वास्थ्य कर्मी और सुरक्षा कर्मियों पर हज के लिए पाबंदी होगी। गोधन न्याय योजना की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन में 102 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। इसमें से 85 करोड़ 61 लाख रुपए में 435 विकास कार्यों के भूमि पूजन के साथ ही 16 करोड़ 90 लाख रुपए के 178 कार्यों का लोकार्पण किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की इस महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के पहले दिन ही राज्य के 1,642 गोठानों से करीब 2,000 क्विंटल गोबर की खरीदी की गई। मंत्रालय के विभागों के संचालन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन 22 जुलाई से 28 जुलाई 2020 तक की अवधि में नहीं किया जाएगा। निर्देश नवा रायपुर अटल नगर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं रायपुर में स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों पर भी लागू होगा। उधर दुर्ग में भी लॉकडाउन 23-29 जुलाई तक रहेगा, जो कि अप्रैल माह के पहले लॉकडाउन की तरह सख्ती में रहेगा, जहां केवल दूध, फल और सब्जी की दुकानें ही खुलेगी, वह भी सुबह 7 बजे से 12 बजे तक। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज उमर अब्दुल्ला के मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संपर्क में कूद पड़े। भूपेश बघेल और उमर अब्दुल्ला के बीच चल रही ट्विटर वार पर गृहमंत्री ने कहा कि कई आंतरिक चीजें होती है, मुख्यमंत्री ने जो बात कही है उनके प्रमाण है, अगर अब्दुल्ला कोई नोटिस भेजते हैं तो उसका CM भरपूर जवाब देंगे। इस बीच एक अच्छी खबर है, अब रायपुर से जगदलपुर और हैदराबाद के लिए घरेलू उड़ानें 5 अगस्त से शुरू होने जा रही है। 70 सीटों वाले विमान से इसकी शुरुआत होगी। जगदलपुर एयरपोर्ट पर मार्च से ट्रायल लैंडिंग एयर इंडिया के एक बड़े विमान ने की थी। बॉलीवुड एक्टर्स जेनेलिया और रितेश देशमुख ने पौधे आधारित मीट वेंचर इमेजिन मीट शुरू किया है। यह वेंचर पूरी तरह से वनस्पतिक तत्वों से मांस बनाता है, जैसे पी प्रोटीन इत्यादि, जो कि छूने और स्वाद में पशु मांस के जैसे लगते हैं। यह नया वेंचर आने वाले महीनों में पौधे से बने हुए कबाब, चिकन टिक्का और अन्य उत्पाद पेश करेगा। मुंबई में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है, अब इसकी चपेट में फिल्मी सितारे भी शामिल हो गए। बीते दिनों अमिताभ बच्चन के अलावा अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन भी कोरोना संक्रमित पाई गई। इसके बाद से ही बाकी सितारे इस खतरनाक वायरस से खासी सावधानी रखते नजर आ रहे। कोरोना के बढ़ते मामले को हुए एक्टर शाहरुख खान ने अपने बंगले मन्नत के चारों तरफ प्लास्टिक का कवर लगा दिया। शाहरुख खान का पूरा घर सफेद रंग की प्लास्टिक से कवर्ड है। जब से WHO ने यह माना है कि वो कोरोना वायरस हवाओं में भी है। छत्तीसगढ़ में वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने के साथ ही कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हो रहा है, इसकी वजह से एक बार फिर से बारिश की संभावना बनी है। पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी रायपुर और दुर्ग में देर रात से बारिश हो सकती है। वैसे आसमान में आंशिक बादल फिलहाल नजर आ रहे हैं और धूप छांव का खेल चल रहा है। पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ घंटों में राज्य के कई इलाकों में मौसम बदलेगा और इसके साथ आंधी तूफान की भी संभावना है।